भगवान शिव के 12 अति पवित्र ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के अलग अलग भागों में प्रतिष्ठित हैं। शिव पुराण में इन द्वादश ज्योतिर्लिंग का विस्तार से उल्लेख है। बहुत ही महान पुण्यात्मा होंगे वह जातक जिन्होंने अपने जीवन में इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया होगा। मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो मनुष्य नित्य इनके दर्शन करके इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नामों का उच्चारण करता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको जानकारी देते हैं और वो कहाँ आया है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। प्रभास क्षेत्र में सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात के वेरावल में स्थित है और मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। ऋग्वेद और स्कंद पुराण में और महाभारत में भी इस मंदिर का महिमा वर्णन किया गया है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर विराजमान है। इसे दक्षिण भारत का कैलाश पर्वत भी कहते हैं। महाभारत में लिखा है कि श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उसे कोंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। माता पार्वती का नाम मल्लिका है, जबकि भगवान शंकर को अर्जुन भी कहा जाता है, इसलिए वह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह को जाने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयुर्वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैनवासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर उनके राजा है और वे ही उज्जैन की रक्षा करते हैं। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत और शिव पुराण में एवं स्कंद पुराण में भी महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरी विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उसी स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ों के बीच चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर नर्मदा की दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। पूर्व काल में महाराजा मांधाता ने इस पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, इससे पर्वत पर मांधाता पर्वत कहा जाता है। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप है, एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है और एक नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में भी श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देती है। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है।
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। शिव पुराण में यह कथा पूरे विस्तार से दी गई है कि इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोद है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहां आकर पूर्ण हो जाती है। 7वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। कहा जाता है कि इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वासभूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टिकाल आने पर पुनः यथास्थल रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थल भी इसे नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इस स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इस स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के योग क्षेम का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले ले हैं। भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इसी ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत में गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। यह ज्योतिर्लिंग नासिक से 30 किलोमीटर की दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में भी उल्लेख है। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहाँ पास में ही गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल प्रगने में स्थित है। शास्त्रों और लोक दोनों में उसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में यह कथा है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर्वत जाते समय यह शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की और अपने सिर काटकर शिवलिंग को चढ़ाया। भगवान ने प्रसन्न होकर रावण को वर के रूप में भगवान शिव से उसे शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया लेकिन एक शर्त पर कि तुम शिवलिंग ले जा सकते हो किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा, तुम फिर उसे उठा न सको। रावण इस बात को स्वीकार कर शिवलिंग को उठाकर लंका ले गया। चलते चलते उसे लघुशंका करने की आवश्यकता महसूस हुई और रावण ने उसे एक अहिर के हाथ में थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। अहिर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा तो वो संभल नहीं पाया और उसने वह नीचे जमीन पर रख दिया। इस प्रकार यह ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। सभी देवताओं ने वहां आकर शिवलिंग की पूजन किया और उसका प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यह ज्योतिर्लिंग अनेक फलों को देने वाला, यह 11 अंगुल ऊंचा है, उसकी ऊपर अंगूठे के आकार का गड़ा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल ला कर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी यह ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी में लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति और महत्व की कथा सुनेगा वो सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर नामक स्थान में स्थित है।
भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में यह कथा कही जाती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए थे, तब समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। 12वां ज्योतिर्लिंग घुष्णेश्वर। घुष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। श्री घुष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग सती शिवभक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण ये यहाँ घुष्णेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोद फलदायी है। तो यह थे 12 ज्योतिर्लिंग और उसके महात्म्य। दोस्तों, यह संक्षिप्त में आपको हमने 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप भी यह वीडियो द्वारा आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय महादेव।